डीआरडीओ और सेना ने मिलकर एक ऐसा हथियार तैयार किया है जिससे हमारे देश के जवानों की ताकत बढ़ गई है और बढ़ जाएगी। देखिए पूरी खबर एक मिनट। भारत को मिली पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल, अस्मी की रेंज के आगे पस्त होंगे दुश्मन। इंडियन आर्मी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने मिलकर बनाई है पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल अस्मी, जिसका मतलब है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। बुधवार को इनोवेशन इवेंट के दौरान भारतीय सेना ने इस मशीन पिस्टल को सबके सामने रखा, जिसे डिफेंस फोर्सेस की 9mm पिस्टल की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो अस्मी को 4 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है, जिसकी फायर रेंज 100 मीटर तक है। इसे इसराइल की यूजी सीरीज की गन की तर्ज पर तैयार किया गया है। सेना द्वारा दिखाई गई इस प्रोटोटाइप पिस्टल से 300 से ज्यादा राउंड फायर किए जा चुके हैं। 3D प्रिंटिंग प्रोसेस से बनी अस्मी का ऊपरी रिसीवर विमान ग्रेड एल्यूमिनियम से बना है, जबकि निचला रिसीवर और ट्रिगर कॉम्पोनेंट कार्बन फाइबर से बना है। 8 इंच के बैरल वाले इस पिस्टल का वजन लगभग 2 किलो है। ये इन सर्विस 9mm एमिनेशन फायर करती है। हथियार का कुल वजन, इस वर्जन का वजन 1.8 kg है। इस हथियार की बट फोल्ड होकर ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। हथियार में ऊपर की तरफ पूरी लेंथ की पिकेटिंग रेल है, जिसकी वजह से दुनिया में मौजूद सारी स्कोप्स, एसेसरीज को इस हथियार पे लगाया जा सकता है। जाहिर है इस तरह के इनोवेशन से भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होगा और दुश्मनों के दांत खट्टे होंगे। ABP News, आपको रखे आगे।